सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है चैलेंजर टू का, फोर ब्रैकेट टू रेज टू पावर एक्स माइनस वन प्लस नाइन थ्री रेज टू पावर वाई माइनस वन इज इक्वल टू सेवनटीन एंड थ्री टू रेज टू पावर एक्स माइनस टू थ्री रेज टू पावर वाई इज इक्वल टू सिक्स। इसको हमने सॉल्व करना है। सॉल्व इन द सेंस आपको एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। यहाँ पर कैसे करेंगे सॉल्व करते हैं। इसको क्या लिख सकते हो आप, टू रेज टू पावर टू टू एक्स माइनस वन प्लस थ्री रेज टू पावर टू थ्री वाई माइनस वन इज इक्वल टू सेवनटीन। अब देखो क्या हो जाएगा, बेस सेम है दोनों का, सो टू ऐड हो जाएंगी पावर्स, एक्स माइनस वन प्लस टू प्लस थ्री वाई माइनस वन प्लस टू इज इक्वल टू सेवनटीन। तो क्या हो जाएगा, टू एक्स प्लस वन थ्री वाई प्लस वन इज इक्वल टू सेवनटीन। नाउ क्या करेंगे, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, प्लस थ्री वाई मल्टीप्लाई थ्री इज इक्वल टू सेवनटीन, इसको लिख सकते हैं ये। तो अब हम क्या करेंगे, लेट टू रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू ए एंड थ्री रेज टू पावर इज इक्वल टू वाई। इसको हमने क्या लेट कर लिया, ए, और इसको क्या लेट कर लिया, बी। तो इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, नाउ लिखो देयरफॉर टू ए प्लस थ्री बी इज इक्वल टू सेवनटीन, इक्वेशन वन। इसको क्या लिखेंगे, जब इसको लेट कर लिया था हमने, तो ये क्या बन जाएगी हमारी, थ्री ए माइनस टू बी इज इक्वल टू सिक्स, इक्वेशन हो गई टू फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या करेंगे अब देखो, दोनों को एलिमिनेशन मेथड से करेंगे तो हमने क्या करना होगा, दोनों का जो कोफिशियंट होगा ए या बी किसी भी एक का, उनको इक्वल करना होगा। यहाँ पे देखो 2a है, यहाँ पे 3a है, यहाँ पे 3b है, यहाँ पर 2b है। तो अगर आप b को कैंसिल आउट करना चाहते हो, इजी हो जाएगा क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में, इनको इक्वल बना लेते हैं। सो 2 और 3 का जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 6। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 3 से। सो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4a प्लस 6b इज इक्वल टू 34। अब इसको 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9a माइनस 3 2 जा 6b इज इक्वल टू 3 6 जा 18। अब इसको ऐड कर देते हैं, प्लस का 6 और माइनस का 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे, 9 4 13 ऐड कर लेते हैं, 8 4 12 3 4 एंड 5। सो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 2 डिवाइड बाय 13। सो a की वैल्यू क्या आ गई, 4। सिमिलरली हम क्या करेंगे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से कर लेते हैं या फर्स्ट से कर लेते हैं, फर्स्ट किसी भी से भी कर सकते हो आप। क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4, ए की वैल्यू 4 पुट कर दी हमने यहाँ पर, प्लस 3b इज इक्वल टू 17। सो क्या हो जाएगा, 3b इज इक्वल टू 17 माइनस 8 इज इक्वल टू 9। सो 3b, b की वैल्यू क्या जाएगी, 3 3 जा 9, b इज इक्वल टू 3 एंड a इज इक्वल टू 4। सो नाउ क्या करेंगे, अब हमने कुछ सबसे पहले लेट किया था, लेट a इज इक्वल टू 2x, वैल्यूज पुट कर देंगे वहां पर, बिकॉज a इज इक्वल टू 2x। सो a की वैल्यू क्या आ गई है, a की वैल्यू आई हमारे पास 4 इज इक्वल टू 2x। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 2x। बेस दोनों का सेम है तो पावर को कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग पावर्स, ये एक्सपोनेंट लिख सकते हैं। सो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है। नाउ बी को हमने क्या लेट किया था, बी इज इक्वल टू 3y। सो बी की वैल्यू क्या थी हमारे पास में, 3 एंड 3y, तो इसकी वैल्यू क्या है, ये 1 3 रेज टू पावर 1 लिख सकते हैं, बेस दोनों का सेम है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। सो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1, दिस इज द आंसर।
सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवंथ, सॉल्व द इक्वेशन एंड फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ 2 upon x + 3 upon y = 2 एंड 3 upon x - 4 upon y = 20। सो इसमें हम क्या करेंगे, 1 upon x को लेट कर लेंगे a एंड 1 upon y को क्या कर लेंगे b, और सेम इसी की तरह करेंगे, पहले ए बी की वैल्यूज आएंगी, फिर किसको इक्वल पुट करेंगे जो आपने लेट किया था, राइट। सो वहाँ से आपके x और y की वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएंगी। बहुत ईजी क्वेश्चन है बेटे, बस आपने पहले क्या करना है, ध्यान से करना है, जिसको भी लेट कर रहे हो उसको बाद में पुट करना है, वहाँ पर नहीं छोड़ना है, लास्ट में आके पुट करना है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्थ, इफ़ a प्लस बी एंड a माइनस बी इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3x + 2y = 20 एंड 4x - 5y = 42 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b। अब इन्होंने हमें पहले से ही पॉइंट्स दे दिए कि ये इसके सॉल्यूशन है, अगर ये सॉल्यूशन है तो क्या करेंगे हम, x की जगह a प्लस बी पुट करेंगे और y की जगह पे क्या पुट करेंगे a माइनस बी। सो दोनों को पुट करने के बाद उनको सेम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ए बी की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएगी।